कांतारा ने आम दर्शकों की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। इसने बताया कि तर्क वितर्क के परे भी एक अदृश्य शक्ति है, जिसे हम कभी निजी तौर पर तो कभी अपने धर्म परंपरा और संस्कृति के जरिए महसूस करते हैं। फिल्म में कई दफा रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य आए। लोगों ने थिएटर और OTT पर इसका भरपूर आनंद उठाया। फिल्म बार बार देखी, पर ज्यादातर दर्शक कांतारा का अर्थ नहीं जानते। लगभग 90% लोग कांतारा का अर्थ नहीं जानते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं। कांतारा का मतलब है रहस्यमय जंगल। दूसरे भाव में हम इसे मायावी जंगल कह सकते हैं, जहां इंसान प्रकृति में विलीन होकर दिव्य शक्ति का हिस्सा बन जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गांव वाले अपनी जमीन और जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जंगल के करीब रहने वाले लोग उस पर अपना अधिकार जताते हैं। फिल्म का हीरो शिवा जंगल जाकर जानवरों का शिकार करता है, वन अधिकारी से उलझता है, पर कई बार उसे रहस्यमय जंगल में वराह देव यानी भगवान विष्णु के अवतार के होने की अनुभूति होती है, जिससे वो बहुत घबराता भी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में लालची और अत्याचारी जमींदार से गांव वालों को बचाने के लिए शिवा पर देव्य शक्ति प्रवेश करती है और अत्याचारी का नाश होता है। फिल्म में देव पंजुर्ली की झलक मिलती है, जिन्हें कन्नड़ लोग जमीन और जंगल का रक्षक मानते हैं। देव पंजुर्ली की कन्नड़ लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और बड़े धूमधाम से भूत कोला त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में नर्तक देव पंजुर्ली का वेश धारण करता है और धार्मिक रीति रिवाजों का अनुरूप नृत्य भी करता है। देव पंजुर्ली भगवान विष्णु के वराह अवतार का स्वरूप है। कन्नड़ फिल्म कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल भी निभाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांतारा के हिंदी वर्जन ने करीब अब तक 80 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म की कुल कमाई लगभग 450 करोड़ रुपए है। फिल्म पिछले साल यानी 30 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म कांतारा के सिक्वल को लेकर भी कुछ वक्त से चर्चा हो रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।